नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। अब जिस मामले को लेकर उन्हें सजा सुनाई गई है वो मामला 34 साल पुराना है। ये मामला है 1988 का। पटियाला में पार्किंग को लेकर सिद्धू का एक 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह के साथ विवाद हो गया था। विवाद जब बढ़ा तो हाथापाई तक पहुंचा। सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने बुजुर्ग को मुक्का मार दिया, जिस वजह से गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। तो वहीं पुलिस ने सिद्धू पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। जब ये मामला सेशन कोर्ट पहुंचा तो सुनवाई हुई, लेकिन सिद्धू के खिलाफ सबूतों की कमी को लेकर साल 1999 में उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन जो पीड़ित पक्ष था वो सेशन कोर्ट के फैसले के विरोध में हाईकोर्ट जा पहुंचा। तो वहीं 2006 में हाईकोर्ट ने सिद्धू को 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब सिद्धू हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2018 में सिद्धू को गैर इरादतन हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। हालांकि उन पर लगी आईपीसी की धारा 323 चोट पहुंचाने के मामले में वो दोषी ठहराए गए, जिसकी उन्हें कोई सजा नहीं हुई। वहीं अब पीड़ित परिवार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि सिद्धू को आईपीसी की धारा 304 के तहत सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को स्वीकार कर लिया और सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।